राजस्थान के जोधपुर में सोमवार रात झंडे और लाउडस्पीकर लगाने को लेकर दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी हुई। यह विवाद मंगलवार को फिर तूल पकड़ता जा रहा है। यहां के जलौरी गेट इलाके में आज सुबह एक समुदाय के लोग दोबारा जुटे और फिर से उपद्रव फैलाने की कोशिश की। इलाके में पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं भी हुई। पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। वहीं उपद्रवियों ने 20 से ज़्यादा गाड़ियों के कांच तोड़ दिए और कई एटीएम में भी तोड़फोड़ की। आज हुए पथराव में एक पुलिसकर्मी को भी चोटें आई हैं। इससे पहले सोमवार रात दोनों पक्षों के बीच दो बार हिंसा हुई थी। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार को अनंतनाग में मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी हुई। ईद के नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में दंगों के 22 दिन बाद कर्फ्यू के बीच ही त्यौहार मनाए जा रहे हैं। यहां सुरक्षा के मद्देनजर करीब 1300 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।